हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीमार्ट वर्सेस जियो मार्ट। अभी देखिए डीमार्ट का अगर प्राइस देखेगा तो काफ़ी ज़्यादा जो है गिर चुका है। यहाँ देख सकते हैं 1983 के आसपास आ चुका है। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलना चाहते हैं कि डीमार्ट का जो शेयर का प्राइस गिरा है वो सही है, क्वार्टर रिजल्ट की वजह से गिरा, क्वार्टर रिजल्ट की वजह से। अब लोगों का कहना ये है, अगर डीमार्ट के जगह पर जियो मार्ट आ जाता है तो इसका कॉम्पिटिटर अगर इसको कॉम्पिटिट कर देता है तो डीमार्ट का प्राइस और भी गिर सकता है। जैसे कि एग्जांपल आज के डेट में भी यहाँ पर देख सकते हो, लगभग एक महीने के अंदर में यहाँ पर देख लीजिए डीमार्ट में आपको भारी गिरावट देखने को मिल रही है। 2400 का शेयर आज को देखिए कहाँ पर मिला, 1980 के आसपास मिला। तो क्या हमें डीमार्ट को छोड़ देना चाहिए, ये क्वेश्चन मार्क अराइज होता है। और हमारा फोकस कहाँ करना चाहिए, क्या जियो मार्ट की तरफ हमारा फोकस करना चाहिए, और क्या लॉस होगा जियो मार्ट को और क्या प्रॉफिट होगा डीमार्ट को, वही आज हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए बहुत सारे लोगों का कहना है कि डीमार्ट जो है क्रैश हो चुका है, यहां पर आपको भारी नुकसान देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर रिजल्ट दिखाता हूं, ठीक है। ये रहा जून 2020, ठीक है, मार्च चला जा चुका है, जून आ चुका है। अब देखिए कंपनी को भारी नुकसान हुआ, टोटल मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा, समझने की कोशिश कीजिएगा थोड़ा बहुत। रेवेन्यू में 33% का नुकसान देखने को मिला है, नेट इनकम में लगभग 83% का आपको नुकसान देखने को मिला, सॉरी 87%, जो कि एक कोई छोटा मोटा नहीं होता, एक बहुत बड़ा परसेंटेज होता है जो 87 के आसपास है। और अर्निंग पर शेयर तो मतलब पूरा मतलब ख़त्म ही हो रहा है ऐसा लग रहा है जैसे कि। और उसके बाद देख सकते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन तो 80 और ऑपरेटिंग इनकम, मतलब चारों तरफ से कंपनी को नुकसान हुआ है, केवल नुकसान ही देखने को मिला है। और आज की डेट में अगर स्टॉक हम देखें तो बहुत ज़्यादा जो है हमें डिस्काउंटेड प्राइस पर भी मिल रहा है। तो क्या हमें डीमार्ट को छोड़ देना चाहिए, देखिए डीमार्ट वही स्टॉक है जो लगभग जो है अराउंड 600 रुपीज़ के आसपास ही आया था, 600 रुपीज़ के आसपास, और 2000 को क्रॉस किया था, 2400 के आसपास गया था, लोगों को काफ़ी अच्छा बेनिफिट भी दिया था और सभी लोग डीमार्ट को ख़रीदना चाहते हैं। लेकिन जियो मार्ट अगर बीच में आ जाता है कॉम्पिटिशन तो देखिए डीमार्ट को क्या लॉस होगा। तो देखिए अभी तक ऐसा कुछ भी हम एस्टिमेट नहीं कर सकते कि डीमार्ट में आपको भारी नुकसान देखने को मिल रहा, और ये जो आपको नुकसान देखने को मिल रहा है 1980 के आसपास, तो ये केवल कोविड-19 की वजह से हुआ। देखिए लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और आज के डेट में अगर हम कंफर्म केसेस देखते हैं तो देख सकते हैं 1.04 मिलियन करके यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। और यहाँ पर रिकवरी वाले भी बहुत अच्छे हैं, आप देखते हैं रिकवरी हो रहा, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये ग्राफ देख के लोगों को डर लगने लगा है, देखिए इसीलिए यहाँ पर देख सकते हैं 34,956 लगभग, हम अप्रॉक्सीमेटली 35 के आसपास तो बोल ही सकते हैं क्योंकि ज़्यादा तो नहीं बचा, 35 तो हो ही चुका। अब इसकी वजह से देखिए हर जगह लॉकडाउन किया जा रहा है, अब जैसे ही देख सकते हैं फरवरी आया था, फरवरी के बाद मार्च में हर जगह लॉकडाउन लगना स्टार्ट हो चुका था, इनिशियल स्टेज था, और मार्च अप्रैल में, और जैसे ही क्वार्टर रिजल्ट आने वाला था, देखिए मार्च के बाद तो इसका जो थ्री मंथ का जो क्वार्टर रिजल्ट आने वाला होता है वहां पर एक भी सेल्स नहीं हुआ, मतलब सेल्स पूरा डाउन आ चुका था, मतलब जितना भी सेल्स हुआ था डीमार्ट का पूरा डाउन आ चुका था। किसके वजह से, यहां लॉकडाउन की वजह से आपको देखने को मिला था। अगर डीमार्ट के बारे में हम कुछ देख लेना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है, ठीक है, वर्चुअली डेट फ्री है, और ये अपना डेट भी रिड्यूस कर रही है, मतलब डेट के मामले में कंपनी को हम बिल्कुल कंसीडर नहीं कर सकते, ना के बराबर है। और कंपनी हैज़ अ गुड कंसिस्टेंस प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 40.91%, मतलब 41% के आसपास है ओवर लास्ट 5 ईयर। तो लास्ट 5 ईयर में कैसा रिटर्न निकाल के दिया है आपको डीमार्ट ने, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के दे रहा। लेकिन ये जो कोविड-19 की वजह से पूरा इंडिया बंद है, जिसकी वजह से सेल्स में आपको गिरावट देखने को मिला है, उसके वजह से स्टॉक मार्केट में आपको शेयर के प्राइस में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिला, तो ये मैं बोल सकता हूं कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका है डीमार्ट खरीदने के लिए, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो 2400 पे भी खरीदने के लिए रेडी हैं। आज के डेट में ये 1900 पे आ चुका फिर भी लोग हिचकिचा रहे हैं, तो देखिए इसका जो है दो प्राइस बताया गया है, दो प्राइस अगर आप डीमार्ट को खरीदना चाहते हो तो दो प्राइस बताया गया है। पहला है देख सकते हैं 1800 के आसपास आता है तो खरीदना स्टार्ट कर दीजिए, पहला स्टेज है। और दूसरा स्टेज आपको बताया गया है कि देख सकते हैं 1700 के आसपास आया तो मतलब अपना जोरदार खरीदारी कर सकते हैं, मतलब बहुत अच्छा आप क्वांटिटी भी उठाना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर देखिए जितने भी दिग्गज ब्रोकर ने बताया था केवल 2000 के आसपास ये स्टॉक आ सकता है, 1900 के आसपास आ सकता है, तो ये कभी भी आपको तेजी मारने को दिखा सकता है। मैं एक बार आपको बोल देना चाहता हूँ, जैसे लॉकडाउन ओपन होगा ना, कोविड-19 खत्म होगा, देख लीजिए डीमार्ट जैसे स्टॉक में आपको इतना ज़्यादा रैली देखने को मिलेगा, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्यूरियस हैं ऐसे स्टॉक में। देखो जितना भी वो जितना शॉपिंग करेंगे और यहाँ पर आपको ज़्यादा ज़्यादा डिमांड बढ़ते हुए नजर आएगा। अब देखिए बात कर लेते हैं जियो मार्ट के बारे में। देखिए जियो मार्ट भी अगर हम जियो को बोले तो ये भी कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ी और अच्छी कंपनी है। और देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ जियो मार्ट अभी कहाँ अवेलेबल है, जहाँ पर रिलायंस फ्रिज करके जैसे स्टोर है,
रिलायंस फ्रेश जहाँ पर आपको स्टोर देखने को मिलते हैं वहाँ से ही जो है जियो मार्ट अपना प्रोडक्ट डिलीवर करता है। और ये कहाँ कहाँ पर है, दिल्ली में है, मुंबई में है, चेन्नई में है, नोएडा में है, कोलकाता में, मतलब जितने भी मेट्रो सिटी हैं वहाँ पर आपको जियो मार्ट जो है आपको ईजिली अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। लेकिन हाँ, ये बहुत मतलब ज़्यादातर ये जो है डिस्काउंट देता है, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ये डिस्काउंट देता है, बहुत बड़ा डिस्काउंट देता है। और ये एक बहुत बड़ा बल्क क्वांटिटी में जो है प्रोडक्ट को क्या करता है, उठाता है, जिसकी वजह से इसको जो है डिस्काउंट देने में थोड़ा ईजी पड़ जाता है। इस वजह से यहाँ पर देख सकते रहे हैं ग्रोसरी में भी आपको ज़्यादातर डिमांड देखने को मिल सकता है, तो ये भी एक अच्छा स्टॉक है। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि इसकी वजह से आपको डिमांड का स्टॉक जो है डूब जाएगा, ये बोलना थोड़ा सा मुश्किल है कि डीमार्ट का स्टॉक डूब जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं क्रैश व्रैश ऐसे, तो मैं बोलूँगा ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि देखिए जियो अपनी जगह पे है, ये भी सही है और डीमार्ट भी सही है। देखिए अब अगर ऐसे बोलोगे तो हर एक चीज़ का कॉम्पिटिटर है, हर एक चीज़ का कॉम्पिटिटर होता ही होता है। अभी देखोगे तो कॉम्पिटिशन हर जगह है, तो कॉम्पिटिटर है, एक साइड अगर जियो तो एक साइड डीमार्ट है, तो ऐसी बात नहीं कंपनी डूबेगी नहीं, कंपनी डूबेगी नहीं, चलेगी। और ऐसी कोई बात नहीं कि आपको कोई रिटर्न नहीं निकाल के देगा, रिटर्न निकाल के देगा आपको, जो डिजर्वेबल रिटर्न होगा दोस्तों वो निकाल के देगा। तो मैं चाहूंगा कि फोकस कीजिए ऐसे स्टॉक पे। और जियो ये सब क्यों करना चाहता है आपको पता है, जितना ज़्यादा डिजिटल बनाना चाहता है जियो, सबसे पहले तो जो जियो है वो डिजिटल फोकस कर रहा है कि इंडिया को डिजिटल बनाना चाहता है। इस वजह से सबसे पहले वो 5G को लॉन्च करेगा, उसकी वजह से जितने भी ये प्रोडक्ट हैं ऑनलाइन बिजनेस में भी अपना बहुत तेज़ी से जाएगा, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर जियो मार्ट में भी आपको जो है प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा, वो भी अच्छा खासा प्रॉफिट। तो फाइनली अगर आप देखना चाहते हो तो ये जो डीमार्ट है लगभग सिक्स्थ मंथ से यहाँ पर देख सकते हो दो बार स्टेबल होने की कोशिश की है। 2500 को इसने टच किया था और 2500 को टच करने ये हाईएस्ट जा रहा था, उसके बाद जब COVID-19 आया तो देखिए गिरावट हो चुका था लगभग जो है ये 2000 के नीचे आ चुका था। ये फर्स्ट टाइम देखिए 2000 के नीचे आया था जब COVID-19 आया था, तब उसके बाद देखिए ये धीरे धीरे रिकवर करना स्टार्ट कर दिया था और फिर से यहाँ पर गिरावट देखने को मिला। तो जहाँ पर आपको डबल बॉटम आपको दिखाई देता वहाँ पर आप खरीदारी स्टार्ट कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि स्टॉक ही मतलब अच्छा नहीं है, स्टॉक अच्छा है ऐसी बात नहीं है, तो आपको जैसे जैसे गिरावट देखना स्टार्ट कर सकता है आप इसको तीन स्टेज में खरीद सकते हो। जैसे तीन बार में अगर आपके पास 100 रुपीज़ है तो आप इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, एज अ 33 करके अगर आप डिवाइड कर दोगे तो फर्स्ट टाइम अगर मान लेते हैं इसमें 5 या 6% का आपको गिरावट देखने को मिलता है, मान लेते हैं इसमें 5% को आपको गिरावट देखने को मिलता है, तो आप क्या कीजिए यहाँ पर आप 33% आप अपना लगा सकते हैं। मान लीजिए 1900 के आसपास आप अपना 33% लगा सकते हैं। जैसे फिर मान लेते हैं इसमें आपको जो है फिर से 5% की गिरावट देखने को मिली तो आप खरीद सकते हैं। वैसे भी 25% ये स्टॉक गिर चुका है, लगभग अराउंड 25% के आसपास ये स्टॉक गिर चुका है। अगर और भी मान लेते हैं 10 या 15% गिर जाता है तो ये स्टॉक आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट प्राइस पर मिल जाएगा, इसलिए फोकस करने के लिए बोला जा रहा है। अभी देखिए ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई है जिससे जियो मार्ट से डीमार्ट को प्रॉब्लम आए। हाँ, ये लोगों का अपना कंट्रोवर्सी हो सकता है, लेकिन अभी तक अगर हम देखें तो डीमार्ट भी सही चला, केवल क्वार्टर रिजल्ट की वजह से इसमें आपको गिरावट देखने को मिला है और कोई भी ऐसी तकलीफ नहीं है। तो ये जो स्टॉक है लंबे समय में आपको अभी भी अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, ऐसी बात नहीं है, अभी भी लंबे समय में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, इस पर आप फोकस कर सकते हो। ठीक है, अब मुद्दे की बात करते हैं। देखिए अगर आप शेयर मार्केट में बिल्कुल नए हो और आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो आप अपना डीमेट अकाउंट एंजल ब्रोकिंग में खोल सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। देखिए अगर आपको बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करके दिया जा रहा तो आप काम कीजिए, अगर आपको सही लगता है तो काम कीजिए, अगर आपको गलत लगता है तो आप छोड़ भी सकते हो, क्योंकि यहाँ आपसे पैसे नहीं लिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात देखिए बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पर आपसे 500-300 रुपीज़ आपसे लिए जाते हैं, तो जो चीज़ आपको फ्री में मिला, जो ट्रायल आपको फ्री में मिला वो आप ऐसा देखिए क्यों लेना चाहते हो। वैसे भी एंजल और जो जीरोधा जैसे प्लेटफॉर्म है ये अच्छे वाले प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप और आपका पैसा दोनों सेफ रहता है। और यहाँ देखिए एंजल ब्रोकिंग का एक ग्रुप है जहाँ पर आपको बताया जाता है कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए। देखिए अगर आपके सामने बहुत सारे स्टॉक है तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा खरीदना है, ये वाला खरीदना कौन सा खरीदना है, तो आपको बताया जाएगा ये सेकंड वाला खरीदो, इसमें आपको ज़्यादातर बेनिफिट देखने को मिलेगा, तो आपको पता चलेगा ये सारी नहीं खरीदना है। और यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस टारगेट सब बताया जाएगा, तो इससे क्या होगा कि आपको नॉलेज भी बढ़ेगी, आपको ज़्यादा नुकसान भी नहीं मिलेगा और आपको प्रॉफिट भी होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन होगा और डिलीवरी चार्जेस बिल्कुल फ्री है, और ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा जैसे ही आपका डीमैट अकाउंट ओपन होगा, और केवल 20 रुपीज़ आपसे लिया जाता है वो भी इंट्राडे ट्रेड में। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो बिल्कुल फ्री में।